नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक, मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई पूरी। भारत और पाकिस्तान ने रखा अपना अपना पक्ष। भारत ने जताई सुनवाई के दौरान कुलभूषण को फांसी देने की आशंका। आईसीजे ने मामले में सुरक्षित रखा अपना फैसला। 3 तलाक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। केंद्र ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिला समान अधिकार, 3 तलाक पर ला सकते हैं कानून। आपके बागी कपिल मिश्रा ने छठे दिन तोड़ा अनशन, बोले केजरीवाल के खिलाफ सबूत लेकर कल जाऊंगा सीबीआई। पर्दे के पीछे केजरीवाल ने की है भ्रष्टाचार की राजनीति। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने पीछे खींचे कदम, बोले हम इतने मूर्ख नहीं जो 2019 में आजमाएंगे किस्मत। पीएम पद के दावेदारों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं। अमरकंटक में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा जिस मां नर्मदा ने हमें बचाया उसे हमें बचाना है। साइबर अटैक की जद में भारत, रैंसमवेयर वायरस के चलते कई एटीएम को बंद करने की खबर। गृह मंत्रालय ने कहा हालात पर बना रखी है पैनी नजर। हंगामे की भेंट चढ़ा यूपी विधानसभा का पहला दिन, कानून व्यवस्था को लेकर एसपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर किया हंगामा। राज्यपाल पर फेंके कागज, हंगामे के चलते कार्रवाई कल तक स्थगित। रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में शानदार 34 अंकों का उछाल, निफ्टी 9,445 पर बंद। आशियाने का ख्वाब अब जल्द होगा पूरा, एसबीआई के बाद आईसीआईसीआई ने भी सस्ता किया होम लोन। 30 लाख के होम लोन पर ब्याज दरों में 0.3% की कटौती। और ट्विटर पर भिड़े क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, दोनों ने पर्सनल बातें ट्विटर पर की शेयर। वीरेंद्र सहवाग ने ली चुटकी, बोले बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां आए खबरें लगातार।